क्योंकि मैं तो कोई गुरु नहीं हूँ, तो ज्ञान ज्ञान देता हूँ, ज्ञान ले लो जितना भी ए टू जेड पूरा, अगर लेना चाहो नहीं लो तो मैं नहीं दे सकता। कल ही एक मिल गया वकील आ गया उधर वहाँ पर, तो बैठे बैठे बात कर लगे, वो वहाँ बात कर लगे, कोई ऐसे ही मान लग गया, बोले जी भगवान को देखे आ गया। मैं पहले बता चुका कि अभी परमात्मा कहाँ है, और फिर होता आपने भगवान को देखा, मेरी बात सुनी ही नहीं थी उसकी, जब मेरी बात सुनेगा प्रश्न करेगा, मेरी पूरी बात सुन जाएगा प्रसन्न नहीं रहेगा। उस वकील साहब ने बात नहीं सुनी, जो मैं कहीं मेरी सुनी नहीं, अपने सोचा था मैं ऐसे पूछूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, मैं बोलता रहा। तो वो बड़े स्वागत बोल दिया आके, कोई प्रश्न है गए और तो सब किसी ने नहीं बोला, और दूसरी तीसरी बार बोला तो ऐसे खड़ा होकर खड़ा हो गया आगे उसका। आगे बोला जी बात, बोले जी परमात्मा को देखा आके परमात्मा, तो मैं कहा चलता तो पूछ रहा था परमात्मा किसी ने देखा आगे भैया, तो पूछता आपने देखा तो बात बोलती, मैं बता तो दिया परमात्मा आपके अंदर भैया, आके जब बैठे तो उसी वक्त बता दिया था, पर वो क्यों सुना था, वो तो मैंने बाकी सब बैठ कर क्या आज हम बात करेंगे, उस सवाल को हम सवाल करेंगे, ये करेंगे, अपना सोचता रहे। वो फिर सब सब खत्म होने के बाद, सत्यम शुक्र है, सब पूरा खत्म होने के बाद फिर से बोला साहब ये बात परमात्मा है, प्रूफ करो साहब ये बात, और आपके अंदर है वो परमात्मा, आप जो बता रहे हो प्रूफ कर रहे हो, प्रूफ कैसे कर रहे हो, तो मैं जीवता बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जाता किसी के अंदर, और मेरा रूप प्रकट कर लेता कोई, और मेरे को बताता है आप आए, मैं तो गया नहीं, तो कौन सा उसी में शक्ति हुई ना, और एक दूसरा उसका तो मतलब ये है कि बात बता दी मैं पहले, फिर उसने सुनी हुई, तो आप सत्संग में जाते हैं सुनते नहीं, हम इसके सुनने की टेक्निक होती है बड़ी जबरदस्त, तड़फ हो या तो अभ्यास हो या श्रद्धा का मामला है, जिसको श्रद्धा ही नहीं है वो ये ज्ञान समझेगा नहीं। जब मैं श्रद्धा नाम लिया तो वो किताब कर यह बात तो ठीक है, अरे तो यह बात तेरे श्रद्धा को तो पता सा तो लेके नहीं आया यार, पता सा इतना तो लेके नहीं आया, दो तू ऐसे किताब लेके टेढ़े मुड़ के आगे बात कर रहा, बात समझे रहे आप, वो बात सुनेगा नहीं, वो कल मेरी सुनी थी उसने बिल्कुल से, जोर लगाया मैं कोशिश करी, और फिर और लोगों ने कोशिश करी, तो बात यह है कि वो जो वस्तर वो पहले भी कह दी, पर बस सहन में कही गई साफ नहीं, पहले बार ऋषि मुनि जो है वो करते ही वो बहुत कुछ बता गए, पर उस समय के अनुसार से आपको इसलिए बताई होगी कि हम समझने के काबिल नहीं थे उस वक्त, अब का आदमी समझने काबिल है। जैसे कल वकील पूछा था बोले साबुत करो, बासी खड़ी नहीं एक अदालत बात, फिर बोले यार आपने लॉ ऑफ लैंड पढ़ी है मेरा भाई, लॉ ऑफ लैंड अलग है, वो पार क्या समझे, वो टाइट मारे बिल्कुल से, वो कौन सा कहना था उसका जज साहब वकील का, गांधी जी बोली, अच्छा तो वो बिल्कुल से बोल को ये वो था, मेरे बात है कोई दोस्त को नहीं, फिर मैंने कोई दोस्त को नहीं, क्योंकि रामायण में लिखा हुआ बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, बात को सत्य कर रहा हूँ, रामायण को स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं जो हिरण पिंगल पड़े तब वो तीन गुण हीन, उठन बैठन बोलना लीन विदाता छीन, कहता ही अगर पिंगल भाषा भी पढ़ दें तो तीन गुण से हीन है, एक तो उठना पुनिया हुआ, एक बैठना जाओगे दब दे कहीं बढ़िए से, और एक बोलना पुनिया हुआ बोलेगा उल्टा पुटा बोले, तो इसे माफी है उनके लिए कोई बात नहीं, बता दिया तो कोई बात नहीं, वकील साहब माफ कर दिया उसने दी, मैं कहा धन है और आपको परमात्मा सदमती दे, बता दिया। बात यह मैं ये कहता हूँ मेरा सत्संग गौर से सुन लो डेढ़ घंटा, तो ये दावा तो नहीं कि मैं खुदा हो गया, कोई चीज़ शायद हो सकता नहीं, तो किसी को प्रश्न नहीं रहता, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे उससे शास्त्र जानता हो, अगर मेरा सत्संग गौर से डेढ़ घंटा सुन ले तो उसको प्रश्न नहीं रहना चाहिए, और प्रश्न रहता तो मैं बुद्ध हूँ, समझे नहीं बात, क्योंकि मैं बात को बिना मध्य भी था बात कर रहा हूँ, आपको अनुभव बता रहा हूँ, जीव मुक्त अवस्था मुझे बता रहा हूँ, मैं कोई बढ़ाई करने की नहीं कह रहा हूँ, जीते मुक्त हूँ मैं, अगर ये ज्ञान मुझे आखिर रहेगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा, और अभी जो कर्जा चुका रहा हूँ आपके सहन नहीं कर रहा हूँ, कोई पिछले जन्म में गुरु रह रहा हूँ, ज्ञान आपको सच्चाई बताई नहीं होगी, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ कि भाई सच्चाई आप में, आप ईश्वर से, आप में कोई कमी नहीं, आप हैं ईश्वर से, और मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ।